अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खोखर पिजन क्लब। दोस्तों वीडियो देखना आपने पूरी और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आपका जब डेट देंगे अपने कबूतरों की, और एक थोड़ी सी मेरे लिए ना परेशानी की बात ये हो गई है, ये देखें ये कबूतर सारे झाड़े पड़ गए हैं, दे रहे हैं ये देखें, और ये बहुत ही मेरे लिए नुकसानदेह, क्योंकि मौसम कंटिन्यूसली हबस का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और कबूतर लैस होने की बजाय जड़ों में पड़ गए हैं। दे रहे हैं माशाल्लाह कुंदे छुंदे कस रहे हैं, ये देखें कितने पार हैं। पहले इस तरह के कोई पार नहीं नज़र आते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज से जो है ना इनको हमने लाइयाँ शुरू कर देनी है, और माशाल्लाह कबूतर हमारे बैठना ऊपर शुरू हो गए हैं। ये देखें कुछ बैठना शुरू हो गए हैं, कुछ बैठ जाएंगे, कबूतरों के पर काफ़ी हद तक आ गए। ये बोतल से बड़ा फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। छत आप देखें माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी माशाल्लाह हमने सारी छत रखी हुई है अपनी, कल सफाई सफाई करवाई आपके भाई ने, देखें नीट एंड क्लीन। और माशाल्लाह ये देखें फाइबर भी लग गया हुआ है दोनों पिंजरों के अंदर हमारा। अब इंशाल्लाह इंतज़ार है इनमें से कौन सा लड़ा पड़ता है। और कल एक वीडियो डाली थी पिजन ऑनलाइन पे, आप दोस्तों ने बड़ा 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 ज़्यादा प्यार दिया। दोस्तों इंशाल्लाह एक आधा दिन निकाल के ना तो नाम रखेंगे, जो जो दोस्तों ने कहा इंशाल्लाह सबके नाम पर कबूतर रखेंगे, और फिर देखेंगे किसके नाम का कबूतर हमारे पास काम करता है। ये देखें ये भी सारी सेटिंग कर दी, अभी पानी की निकालें बोतल। अभी गर्मी में ऊपर आने का मकसद ये था कि इनको दाना पानी, ये देखें पोरेन के लिए छोटा गोश्त नागर रेडी रखा हुआ हमने, ये हमारी ट्रे श्रे। मैंने कहा यार अब कबूतरबाजी करनी है तो फिर प्रॉपर वे से करें। ये देखें माशाल्लाह सफाई सुथराई, और ये जो थी ना दोस्तों फ़िलहाल हमने ये दरवाज़ा तोड़वा दिया, पप्पे भाई ले गए हुए हैं। आज मैं सुबह गया था उनके पास उनको कहने कि यार ये जो है ना दरवाज़ा अपना काम आके करो, लेकिन वो आज नहीं आ सके, अल्लाह ही जाना है क्यों नहीं आ सके। लेकिन यह है कि ये साली वाली जो हिस्से थे ना यहाँ वहीं रख के हमने अंदर फिलहाल ये देखें अंदर सारी सेटिंग कर दी है, ठीक है। ये भी हमारा फ्रिज जो है ना ज़बरदस्त किस्म की जो देखें ना सेटिंग सारी हो गई है, ये देखें। बाकी अब इन चाहिए देखें बच्चे माशाल्लाह काफ़ी हद तक बैठने भी लगे हैं, और बीमारी से भी पाक है, इंशाल्लाह पूरी टेक केयर होगी बच्चों की। अल्लाह ही जाने हमारे बच्चों के ऊपर क्या जवाल है, जब भी छोड़े हैं बीमारियों का जो है ना। आज बच्चों को भी थोड़े से पोरे डालूंगा, क्योंकि बच्चे भी थोड़े थोड़े से लिसे नज़र आ रहे हैं मुझे, तो पहले पर ये देखें पोरे माशाल्लाह इनके लिए टैडी हैं। दोस्तों ये बहुत फ़ायदा भी, अभी ये बराई वाला काम है, ये इतने को फ़ायदेमंद है ना। बस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है इनको मैंने डालना है सरसों का, दो तीन बोतलें बुला चुका हूँ इनको, तो ये कबूतरों का क्या फंक्शन हुआ है माशाल्लाह 100%। देखिए और माशाल्लाह खुश होकर खाते हैं। आ, 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 आ। ये देखें ये जो कमज़ोर बच्ची हैं थोड़े ढीले बच्ची हैं, ये पोरे जाएंगे तो माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा आ जा चीने बच्ची आ जा माशाल्लाह। ये देखें ये पट्टियाँ पट्टे हैं ये जी दोस्तों, वो जो बच्चा चिट्टे लगा पकड़ा था उसको मुझे लगता चूल्हो हो गई है, अल्लाह ही जाने। देखें ना मैंने अभी इसको प्रॉपर तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे को चूल्हो हो गई दोस्तों। ये देखें ये वायरस में आ गया जी बच्चा, ये जो नंबर लगा बच्चा पकड़ा इसको अटैक हो गया जी वायरस का। ये देखें अब ये मेरे लिए बड़ा नुकसानदेह है, ये देखें जी ये जो बच्चा है ना हमारे लिए नुकसानी का सबब बनेगा। इससे पहले कि ये नुकसानी का सबब बने तो हम जो है ना वो इसको निकाल के अब साइड पर कर देते हैं। ये देखें ना इसको वायरस में आ गया ये, अब मैं क्या करूँ। गहरी बात है, एक आधा परिंदा आ ही जाता है, ये बच्चों का यही स्यापा रहता है, अल्लाह ही जाने। हालांकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये काफ़ी दिनों के बाद कोई ऐसा पता नहीं अब सही है, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये वायरस में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको निकाल के अंदर छोड़ दिया। और इसको इंशाल्लाह इसकी आंखों का बंदोबस्त करते हैं, शायद ये ठीक हो जाए। बाकी ये भी जो बाद में कबूतर आए थे हमारे रईस भाई की तरफ से, वो भी ये वाले हैं, और अपने मेन कबूतरों का भी ज़रा पोरे छोरे डालें जिनके लिए पोरे बना के लें। बच्चे देखें माशाल्लाह हेल्दी तरीके से पोरे छोरे खा रहे हैं, हबस का महीना है। एक बच्चा हमारा बाहर निकल गया गलती से, ये देखें जाली के साथ चिमड़ गया, तो ये बड़ा काम ख़राब है, नहीं पता लगा मुझे। खैर कोई नहीं, अभी अपना जो मेन मकसद है कबूतरों की तरफ आते हैं। ये देखें तो पोरे बना के इनके लिए मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पाजियाँ लग गई हैं बहुत हैवी किस्म की, ठीक है ना। अब ज़रा मैं कह लूँ कम अज़ कम हार जीत तो बाद की बात है, अपनी मेहनत तो रखें, को मुकाबला तो करें, मुकाबला ना हुआ ना तो फिर जो है ना मसले की बात बनती है। जब आपके भी शाम उड़े अगले की भी शाम उड़े फिर हार जीत हो जाए, तो फिर देखने वाला यही कहता है यार शौक हुआ है, और ये शौक के लिए हम अपने करते हैं। तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा, मैं सारों से सींग बुझा रहा हूँ, ताड़ी मेहरबानी खुदा का नाम है, ताड़े मालक इन्नी मेहनत कर रहा, कोई मालक का ख्याल रख लेना। काला जी सुन ली टप्पल नहीं भरना, माल पाड़ो, ये अभी इनको मैं भर रहा हूँ क्योंकि आगे इनको पढ़ने डंडे, ये सारा पूरे पूरे सारे बाहर निकलने इंशाल्लाह। तो पहले जो है ना इनको डाल देते अपने मेन मेन कबूतरों को, बचते नहीं है यार, इतनी मेहनत से चार पाँच रोटियाँ बनती हैं,
तो वो कबूतरों को इंशाल्लाह ये बस जैसे ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद इनकी तादाद कम कर दूंगा फिर ना पोरों की। ये माशाल्लाह हमारा दूसरा खुड है, इस पर भी इंशाल्लाह हम पोरे शोरे डाल रहे हैं। हाँ बस इतनी पहाड़ी है अभी सिर्फ, मुझे पता है अभी मैं आया ना ऊपर तो मुझे जाके बनाना पड़ना, सारी मेरी कमीज गीली हो गई है पसीने से, बहुत बस पहाड़िया है। अब तो आज तो सेक भी बड़ा है, ओए होए होए, अल्लाह पाक रहम करे, करम करे हम सब लोगों पे, मुसलमानों पे, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं। ओए होए इस गर्मी के आगे दुनिया में कि सॉरी लाहौर में बर्दाश्त से बाहर गर्मी है दोस्तों, बर्दाश्त है। ये वाइट गर्मी है, इसमें सिर्फ एसी लगा तो सुकून है, पंखे के नीचे भी आवाज़ आ रही है। 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं तो मेरी हालत टाइट हो गई है ऊपर आ गई। देखें ये माशाल्लाह कुंदा हमारा, इसका भी नाम रखेंगे हमारे कबूतरों के नाम पर, कोई एक आधा कबूतरों के नाम पर नाम रखेंगे इंशाल्लाह। कबूतर माशाल्लाह फिट हैं। अब ये झाड़े पाड़े हैं जिसकी वजह से ना इनकी पर पुटाई करना, इनकी नलाई धुलाई करना बहुत ज़रूरी है, तो इनके लिए कुछ नहीं बचा आज जारो। सॉरी दोस्तों, सॉरी मारे बर्ड्स ये वाले खाने के, क्योंकि आपके लिए पूरे नहीं बचे। आपको इंशाल्लाह कल मेरा वादा रहा, कल आपके लिए ज़्यादा बनाऊँगा, आज थोड़ी सी माजरा था क्योंकि अभी आपका बड़ा टाइम है, आप दाने पर ही जो है ना अभी गुजारा करो, कल से इंशाल्लाह आपको पूरे दिए जाएंगे। आप भी पोरे छोरे खा के थोड़ी सी ना अपनी सेटिंग छोटी बेहतर कर लेना, और कोई मसला नहीं है ना कोई और मसाइल है। बच्चा हमारा एक ऊपर खुल गया तो हम जरा मुँह को खोल लेते हैं, क्योंकि इनको मैंने ट्रेनिंग दिया खुद ही अंदर जाने की, खुद ही अंदर बढ़ जाएगा अभी, ये भी बड़ी एक काम है। बाकी दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पिजन ऑनलाइन पर, यकीन माने इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने नाम कमेंट में भेजे हैं, वैसे ही प्यार करते रहे हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह आपके नाम के सालों के नाम के कबूतर आपका भाई छोड़ेगा, बस गर्मी होने दे, एक दो दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, फिर रंग लगा के ना भी जरा लैस होने दो, फिर इनको प्रॉपर रंग लगा के और प्रॉपर बगलों पे कुंदों पे फिर इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके बर्ड छोड़ना शुरू करेंगे। जाने भी शुरू होने वाली है फिलहाल, अभी सलाद हो रही है तो इसे फटाफट हम अपना, ये देखें ये दरवाज़ा जो निकाला था ना ये हमने निकाल के साइड पर रख दिया साथ ही, ये दे रहे हैं अभी इसर भी रोलिंग वाला दरवाज़ा बनूंगा। ये हमारे एक दोस्त उन्होंने आज मुझे मैसेज किया था, हमारे भाई इधर भी लगवा लें, तो ये देखें जी इस खुडे में भी मारा माशाल्लाह। मैं अपनी तरह से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार किसी किस्म का कोई काम, ये देखें माशाल्लाह चटम करके 2 सेकंड में चटम करके, ये देखें काफी उन्होंने वो मारा। तो अब ये क्या करें देखें दोस्तों, इनके लिए अब यही है जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ यार, बीमारी से बचे रहें। ये देखें ऊपर बैठना भी शुरू हो गई हैं, ये बड़ा खुशाइन बात है, इस तरह ना बच्चे बची जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह शाम को आपको शौक करवाएंगे, ये चपड़ा बच्चा हमारा जो उड़ता था इसको भी इंशाल्लाह बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये बच्चे में करंट है ये अच्छा उड़ सकता है। बाकी बच्चों की आंखें शाँखें बिल्कुल फिट फाट है, बाकी आज तक सारे बच्चे ठीक हैं, यही 2-4 बच्चे जो है ना हमारे थोड़े से ढीले मठ हुए हैं, लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह इनको भी हम इनका भी कोई ठाठिया करके ना कोई इंशाल्लाह जुगाड़ करते हैं ताकि ये भी जो है ना फिट रहे, इनको पूरे डालना लाजम है। ये देखें ये माशाल्लाह ऊपर उड़ के गया ना, ये बड़ा खुशाइन बात है, और कोई बात नहीं ये लगाने का, ये मकसद अपने अपने लादा लादा खानों में बैठे रहे ना डिस्टर्ब हो ना वायरस में हो, ये माशाल्लाह एग्जैक्ट काम है, अच्छा लगा ये काम ना मुझे भी पर्सनली, तभी मैंने ला के फ़ौरन लगवाने की, एक सिर्फ खुडे में नहीं लगवाए बाकी इधर उधर सारी, और इधर नहीं लगवाए इधर क्योंकि गढ़वी वाला खुडा बनवाया, इंशाल्लाह इधर भी लग लुग जाएंगे बहुत, इधर नहीं लगवाने सॉरी, इधर फटियाँ लगी रहने देनी, हालाँकि वो मेरे पास जो है ना और भी लग सकता है, लेकिन ये फटियाँ फुटियाँ लगी रहने देंगे, कुछ फटियाँ फुटियाँ में भी काम आ ही जाते हैं इंसान के पास, कहने के खाली बंदा अपना वही बना के रखे। ये देखें ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लैस हो रहे हैं, ये वो कबूतर हैं जो बाद में आए, ये देखें पार इनके निकल आए हुए हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई कबूतर आ ही जाए काम का, कोई पता नहीं है। बाकी दोस्तों ज़्यादा देर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।